मिल पाता है, आपको दोस्तों को भी नहीं मिल पाता है, तो प्लीज उनकी हेल्प करिएगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा इसका मुझे, जूना नगरी के नाम से कौन सा विख्यात, और आज हम बिल्कुल बहुत स्पीड से चलेंगे, ठीक। बच्चों का आया है आंसर यहाँ पंकज श्रीवास्तव का आंसर कटनी आया है, ठीक है। मोनिका का आंसर यहाँ पर ए आया, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कटनी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। कटनी नगर, कटनी जो है चूना नगरी के रूप में विख्यात है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे यहाँ पर, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ इसका आंसर दीजिए मुझे। मयंक लोधी जी बिल्कुल बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी समस्या है, ठीक है। बफरिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई है, अब आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए मयंक जी, और यदि आपको आपका चलने लगा होगा बढ़िया तरीके से तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। तो चलिए, तो सत्याग्रह कब हुआ, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए यहाँ पर, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा 1923 में, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह, जबलपुर सत्याग्रह। चलिए जबलपुर सत्याग्रह के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए जबलपुर सत्याग्रह जो हुआ था वह असहयोग आंदोलन की जो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी उसी के सिलसिले में, यहाँ पर क्या है, अजमल खान, आप इनका नाम याद रखिएगा, अजमल खान और अन्य कांग्रेसी नेता जो थे उन, यहाँ पर क्या था कि जबलपुर की जो नगर पालिका था वहाँ पर झंडा फहराने की तैयारी में थे, लेकिन जो जबलपुर के कमिश्नर थे मतलब कि जो अंग्रेज कमिश्नर थे उन्होंने इन्हें झंडा फहराने से मना कर दिया, ठीक है। और झंडे को उतरवा कर जो नगर निगम में जो झंडा फहराने जा रहे थे उसको छीन कर पैरों के तले इन्होंने क्या है उसको दबाया। तो इसका क्या है यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेसी नेता थे वहाँ पर, देखिए उनका नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन थे, सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल, ये सारे थे। इनको क्या है बहुत यहाँ पर ठेस पहुँची इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आगे क्या किया इन्होंने कि दूसरा जत्था, पहले जत्था ने झंडा फहराने की कोशिश की लेकिन नहीं फहरा पाया, लेकिन दूसरा जत्था, दूसरे यहाँ पर जो लोग जा रहे थे उन्होंने क्या है नगर निगम में झंडा फहरा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, तो यह घटना कब की है, 1923 की है घटना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 1923 को, कब, 13 अप्रैल जो है 1923 को अखिल भारतीय स्तर पर, 1930 है यहाँ पर देखिएगा, 23 है सॉरी, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने झंडा फहराने का अपना प्रयत्न किया, और कहाँ पर फहराया था, नागपुर में फहराया था, ठीक है। और उसके बाद में पुनः इन्होंने योजना बनाई, इसको इस जो आयोजन था जो जो सत्याग्रह था इसका इन्होंने महत्व समझा और पुनः जो है झंडा फहराया, कहाँ पर, जबलपुर में आके। और इसका नेतृत्व किसने किसने किया था, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका नेतृत्व देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, पंडित राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजगोपालाचारी ने किया था, देवदास गांधी ने जो है इसका यहां पर नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं हम, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में सन 1957 में सर्वप्रथम विद्रोह कहां पर प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर मुझे दीजिए। और यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप जरा लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिव्या चौहान का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं नीमच से हुआ था, ठीक है। तो आप बताइए कब से हुआ था, डेट मुझे बताइए यहां पर। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, तो मैं आपको यहाँ पर इसकी डेट बता दूँ, नीमच से हुआ था 3 जून को, कब से, 3 जून 1857 को जो है इस क्रांति की नीमच में शुरुआत हुई थी, नीमच जो छावनी है यहाँ पर। और अच्छा बताइए कि नीमच छावनी में जो विद्रोहियों ने विद्रोह किया था तो उसमें अंग्रेज वहाँ पर जो कर्नल था वो कौन था, ठीक है, मतलब विद्रोह का दमन किसने किया था नीमच में, आंसर दीजिए इसका। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपका आना चाहिए, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो कर्नल जो सोबर्स थे इन्होंने क्या है नीमच में जो विद्रोह हुआ था इसको दबाया था, ठीक है। और जो विद्रोहियों के प्रयास थे उनको इन्होंने क्या है विफल कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, नीमच रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न का यहाँ पर देखिएगा 5वें नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम कहाँ पर स्थित है। देखिए हस्तशिल्प निगम, ठीक है, इसका इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका आंसर दीजिए मुझे। आपके आंसर नहीं आए बच्चे किसी का अभी तक, आप आंसर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, मैं आपको बार बार हर प्रश्न के बाद लाइक करने को बोलूँगा, आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। तो आप लाइक करिएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हस्तशिल्प निगम, सिंपल सा आंसर है इसका, ए नंबर आंसर रहेगा, भोपाल में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक बता देता हूँ इनको याद करने की, आपको कैसे याद करना है। देखिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, लघु उद्योग निगम, हस्तशिल्प की बात नहीं करें, लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई, इसको आप याद रखिएगा, कई बार व्यापम ने और एमपीपीएससी ने इसको पूछा है। अब देखिए मैं यहाँ पर दो तीन नाम बता रहा हूँ आपको जिनके जो हेडक्वार्टर हैं वह
अलग जगह में, बाकी उसके अलावा आपसे कुछ भी पूछे सारे के हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में है। देखिए पहला है वित्त निगम, तो वित्त निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदौर में है। इस चीज़ का याद रखिएगा, कहाँ पर है, इंदौर में वित्त निगम का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, इसका भी जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, इसका मुख्यालय इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। और वस्त्र उद्योग निगम की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1970 में। कब हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है निलेश बेटा, अपना रिफ्रेश करिए, बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश करिएगा। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सही चलने लगेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए तो हस्तशिल्प का मुख्यालय कहाँ पर, भोपाल में। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। सबसे बड़ा संभाग के साथ साथ में मुझे सबसे छोटा संभाग भी बताइएगा आप। बिल्कुल, आप एक बार बफरिंग हो रही है तो एक बार उसको क्या करिए, रिफ्रेश कर लीजिए। आंसर आया बहुत सारे बच्चों के, 6th के आंसर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले इसमें शामिल। और सबसे छोटा संभाग मुझे कमेंट्स में बताइए आप, सबसे छोटा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है महान नेता रहे हैं, और उनकी अभी डेथ हुई है, तो समसामयिक विषय से भी इम्पोर्टेंट है, और जो है जीके के विषय से भी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इनके बारे में हम छोटा यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वाजपेयी की जन्म स्थली आपको बताना है। चलिए कुछ बच्चों के कमेंट यहाँ पर कमेंट्स आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनकी जो जन्म स्थली है वह ग्वालियर है। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका जन्म। देखिए यह सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए, मध्य प्रदेश से यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पीएम बने। ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 1900, सॉरी चलिए आगे हम देख लेते हैं, इनके जन्म के बारे में आपको बता दूंगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जनता पार्टी की सरकार में क्या थे, या विदेश मंत्री बने। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार का मोरारजी देसाई की यहाँ पर जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय में, तो जनता पार्टी सरकार 1977 में बनी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की जो है प्रधानमंत्री, मतलब उनके नेतृत्व में, तो कब इन, और जो उस समय में क्या थे, विदेश मंत्री थे। ठीक है, उस समय में क्या थे, विदेश मंत्री थे, और विदेश मंत्री रहते ही इन्होंने यूएनओ में पहली बार क्या है, हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम आप। और देखिए इंपॉर्टेंट पीएससी में पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाजपा के पहले, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपको देखिएगा, तो यह भाजपा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1980 से लेके 1986 तक जो है भाजपा की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी। ठीक है, और इनके अलावा देखिए, यह 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, कब कब बने हैं इनको भी आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बार कब बने, 1996 में प्रधानमंत्री बने। सेकेंड बार कब बने, 1989 में प्रधानमंत्री बने। और थर्ड बार कब बने, 1999 में आए प्रधानमंत्री बने। और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सरकार को 5 साल तक चलाया। ठीक है, इसके अलावा इनकी कविताएं भी, देखिए यह कवि के नाम से विख्यात है, तो इनकी कविताएं भी हमको यहां पर जानना होगा। तो इनकी कविता कौन कौन सी, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मेरी 51 कविताएं, ठीक है, तो मेरी 51 कविताएं इनकी एक जो है कविता संग्रह है। ठीक है, मेरी 51 कविताएं इनका कविता संग्रह है। इसके अलावा कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, ठीक है, इनकी एक कविता का नाम है। अमर बलिदान इनकी एक कविता का नाम है। मेरे दोस्तों यदि आपको भी अक्षर पसंद आ रहा हो तो आप जो है प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और 5-5 लोगों को शेयर करिएगा, और अगले प्रश्न का आंसर देने के तैयार रहिएगा। 8वें प्रश्न का आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो चारों आंसर दिए हैं वह गलत दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए, दीपक पूछ रहे हैं। ऑफलाइन वीडियो नहीं है सर, देखिए इसको मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ऑफलाइन भी हो जाएगा, आप बाद में इसको देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे 5 लेक्चर हैं उनकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां भी देख लेना। ठीक है, नीलेश माली बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए सुजालपुर, यहाँ पर देखिए शाजापुर यहाँ पर आंसर दिया है, तो यहाँ पर शाजापुर नहीं होगा, आगर मालवा होगा। ठीक है, जो है हमारा 16 अगस्त 2013 को जब डिवाइड हो गया है इससे, तो आगर मालवा 51वां जिला बना है, वहीं पर क्या कौन सा अभ्यारण चल गया है, गो अभ्यारण, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण था। यहाँ पर आप देखिएगा नीलेश माली ने कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है,
आगर में सालरिया गांव में विश्व का सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश का प्रथम गो अपहरण है। माली जी आपका धन्यवाद। इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास हो तो आप कंटिन्यू देते रहिएगा, तो आप ऐसे क्या होगा सहभागिता रहेगी और एक दूसरों को क्या है अधिकतर नॉलेज होगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर मुझे दीजिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। ठीक है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है इसका मुझे यहाँ पर आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए कुछ बच्चों के आंसर यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल सही, राहुल, सानू, नैन्सी, सपना, सुमित, सबके आंसर आ रहे हैं और लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं। नोरा देही, करेरा नहीं, नोरा देही। ठीक है तो यहाँ पर आप देखिएगा नोरा देही कहाँ पर है, सागर जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है 1,034 वर्ग किलोमीटर, 1,034 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। और यहाँ पर की विशेषता क्या है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, नील गाय और काला हिरण, कौन कौन सी, नील गाय और काला हिरण, ठीक है यहाँ पर की विशेषताएं हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न का मुझे आंसर दीजिएगा, मैथिली शरणगुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए मैथिली शरणगुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है इसका आंसर मुझे दीजिए। नैन्सी चौधरी का है स्मॉलेस्ट, यहाँ पर क्या है राला मंडल बताया है। ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है राला मंडल जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि इंदौर में स्थित है। चलिए 10वें का आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, जो ए दे रहे हैं वो अच्छी बात है, नैन्सी का आंसर सी आया है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है मैं आपको बता दूं हिंदी कविता के लिए जो है मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार दिया जाता है। ठीक यदि आपने जो मेरे करंट अफेयर्स के जो मैंने वीडियो बनाया था सम्मान में जो कि 2018 के थे उसमें मैंने सारे सम्मान बताया था कि किस क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता था, आप उसे प्लीज़ जाके देखिएगा। चलिए इनके बारे हम देख लेते हैं, हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है और मैथिली शरणगुप्त जो सम्मान है वह मध्य प्रदेश सरकार ने कब से शुरू किया है 1987 से। ठीक है कब से शुरू किया है 1987, 1987 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राहुल गुप्ता, दिव्या और ओम प्रकाश शर्मा, मैं आपसे बोल रहा हूं पर्सनली रूप से कि 5 लोगों को आप शेयर करिएगा। ठीक है यहां पर देखिए अभी मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सिर्फ एक ने शेयर किया है, बाकी किसी ने शेयर नहीं किया है, सिर्फ एक ने शेयर किया, कम से कम 5-5 दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए दिव्या ने यहां पर बताया है कि इस बार का मैथिली शरणगुप्त अवार्ड कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को मिला है। ठीक है दिव्या जी शानदार, ठीक है तो किसको मिला है इस बार का, कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को। चलिए तो इसका आंसर दीजिए, 11वें नंबर का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर रहेगा माच। ठीक है जो कि मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि नृत्य है। चलिए अगला आंसर मुझे दीजिए, राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है, आंसर जल्दी जल्दी आंसर। कपिल सिंह शेयर कर देंगे, थैंक यू। चलिए तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है, देखिए रिफ्रेश कर लीजिए आप तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आप रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए जैसे ही बफरिंग होती है ना रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों, तो कुछ दिन की हॉकी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, किसने हॉकी आंसर दिया है, चंद्र कुमार ठाकुर, बिल्कुल गलत हैं सर आप। ठीक है सानू मंसूरी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है क्रिकेट से संबंधित है, इस तरह के एग्जाम जो है पीएससी बहुत अधिक पूछता है और व्यापम भी बहुत अधिक इस तरह के एग्जाम पूछता है, तो क्रिकेट इसका आंसर सही है। चलिए मैं आपको इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ क्रिकेट के। ठीक है देखिए मुश्ताक अली खान, जो मुश्ताक अली हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं, सी के नायडू क्रिकेट के हैं, मेजर जगदाले का नाम आपने सुना होगा जो कि फेमस क्रिकेटर रहे हैं, इसके अलावा चंदू सरवटे, ठीक है अशोक जगदाले, ठीक है अमिताभ विजयवर्गीय का नाम आपने सुना होगा, पिछले बार पीएससी ने पूछा था कि अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किससे है तो यहाँ पर किससे है क्रिकेट से। ठीक है नरेंद्र हिरवानी का नाम तो आपने सुना होगा, नरेंद्र हिरवानी ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के पहले जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लिया है एक ही मैच में, टेस्ट मैच में लिया था, कब लिया था 1900,
1987 में लिया था शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा विजय नायडू है, अभय खुरसिया है, ठीक है। और हम महिलाओं में बात करें तो संध्या अग्रवाल का क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, आगे भी पूछने की संभावना है। तो संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, जो कि भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर चुकी है संध्या अग्रवाल ने। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा। जो क्रॉस का निशान है ना आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस क्रॉस को निशान को दिखा के लाइक करिएगा, वापस से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधी जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन की शुभारंभ किया। देखिए यहाँ पर शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधी जानकारी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो कौन सी एप्लीकेशन है, इसका आंसर आना चाहिए। आदित्य तिवारी, ठीक है, रवि प्रजापति, थैंक यू सर आपका, आपने शेयर किया है। चलिए तो 13वें का आंसर दीजिए मुझे, एम शिक्षा मित्र, ठीक है। सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही आंसर दिए हैं यहाँ पर, तो एम शिक्षा मित्र यहाँ पर इस ऐप का नाम है, मोबाइल एप्लीकेशन। अगला आंसर दीजिए मुझे, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और इसके साथ आप बताइए कमेंट्स करके कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, एम शिक्षा मित्र, कपिल जी का आंसर है, ठीक है सर, चंबल नदी पे, बिल्कुल सही, ठीक, किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, घोटुल प्रथा के बारे में बताइए आप, किस जनजाति की यह प्रथा है। चुरिया जलप्रपात मंदसौर आंसर आया कुछ बच्चों का, बिल्कुल सही है सर, आप घोटुल प्रथा का आंसर दीजिए। राहुल गुप्ता, आप एक बार पढ़िएगा अच्छे से, आपने गलत आंसर दिया है। तो चुलिया 15वें का आंसर मुझे आना चाहिए फटाफट। गौंड जनजाति, ठीक है, जो आदिवासी गौंड हैं इनमें यहाँ क्या है, घोटुल प्रथा पाई जाती है। अगले प्रश्न के आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, आंसर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या मुझे बताइएगा, और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा और सबसे छोटा राजमार्ग भी मुझे बताइएगा, कौन कौन से हैं। नैन्सी चौधरी, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इनकी यह प्रथा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। चलिए तो मध्य प्रदेश में 16वें का आंसर नहीं आया अभी तक बहुत सारे बच्चों का, जिसने दिया है गलत आंसर दिया। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है यहाँ पर, तो यह संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। और आपसे मैंने पूछा था कि मध्य प्रदेश का सबसे NH3 लॉन्गेस्ट, बिल्कुल सही नैन्सी जी, आपका आंसर NH3 है, जो कि आगरा मुंबई, ठीक है, आगरा मुंबई से यह है। और इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, 717 किलोमीटर, कितनी है, 717 किलोमीटर है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब कि NH जो है 76, ठीक है, NH76 जो है सबसे छोटा है, जो कि उदयपुर से बांदा जाता है, ठीक है। इसका रूट मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी और बांदा, जो कि मात्र 30 किलोमीटर है, ठीक, इन यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछूँ कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH3 है, ओ सॉरी NH7 है, कौन सा है, NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वह मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में विस्तार है, मोनिका उपाध्याय, AB रोड, इंदौर वाली बात कर रही हैं आप, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में NH7 जो है, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी, इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 511 किलोमीटर है, कितनी है, 511 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, अगले प्रश्न का मुझे आंसर दीजिएगा यहाँ पर, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, बहुत इजी है, आंसर दीजिए। हम हर एक टेस्ट में एक एक मेला से संबंधित क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, और आपके एग्जाम तक सारे मेला कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप सारे टेस्ट लगा रहे हैं तो। चलिए आंसर दीजिए, चंदेरी में, तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका, जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, बिल्कुल सही है सर आप, ठीक है, कहाँ लगता है, छाया कुशवाहा, दिव्या, सारे सही हैं यहाँ पर, कहाँ पर लगता है, चंदेरी गुना में जो है जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। अगला प्रश्न का आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है, राजकीय वृक्ष मुझे बताइए कौन सा है, और मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कब की थी, राजकीय वृक्ष की घोषणा
गुना आदित्य तिवारी गुना दीप सोना सी गुना आप सब सही हैं। बरगद बिल्कुल सही है आप, ठीक है। तो इसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी? मध्य प्रदेश के गठन के 25वीं वर्षगांठ मतलब कि 1 नवंबर 1981 को, कब किया था? 1 नवंबर 1981 को जो है मध्य प्रदेश को, जो बरगद है इसको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष ये सारे कब घोषित हुए थे? 25वीं वर्षगांठ 1981 को। वेरी गुड, शानदार, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? अब गोल गधेड़ो बताइए आप, हेमंत अहिरवार, पलक, दिव्या और कमलेश। मैं आपसे पर्सनली चारों से बोल रहा हूँ कि आप शेयर करिएगा, ठीक है। आपके मैं यहाँ पर देखूंगा आपने शेयर किया कि नहीं किया, चारों से आप बोला हूँ मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर प्रकाश लोधी, ठीक, और मोनिका उपाध्याय, आप सभी शेयर करिएगा, कम से कम पाँच पाँच लोगों को शेयर करिएगा ताकि तो मज़े आए ना हमें लाइव क्लास लेने में। फिर गोल गधेड़ उत्सव आंसर क्या रहेगा? भीलों में, ठीक है, भील जनजाति में जो है गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा लाड़ी लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य पूछा है लाड़ी लक्ष्मी योजना का, आंसर बताइए। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार और स्वास्थ्य सुधार, उपरोक्त सभी। दिव्या सिंह आपने शेयर कर दिया, थैंक यू, मैंने कर दिया, प्राची साहू थैंक यू। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है। इसमें जब क्या है जन्म के बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच करना, ठीक है, सकारात्मक सोच का माहौल बनाना। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिंग अनुपात में सुधार इसका एक उद्देश्य है, बालिकाओं के शैक्षणिक सुधार में इसका उद्देश्य है। आप मुझे बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में? आंसर मैं आपके देख रहा हूँ, चलिएगा आंसर दीजिए। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं? बिलोबा की गुफाएं बताइए, दो हजार सात सही है, ठीक है, कि 2005, 2007 से ना। चलिए बिलोबा की गुफाएं बताइए मुझे कहाँ पर हैं, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं है हम लोग, बहुत स्पीड से चल रहे हैं आज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ग्वालियर में। कहाँ पर है बिलोबा की गुफाएं? ग्वालियर में यह गुफाएं स्थित हैं। अगला है यहाँ पर लोक कथाओं में वर्णित आला उदल सेनापति थे, तो आला उदल जो है किसके सेनापति थे? परमार शासक के, चंदेल शासक के, राजपूत शासक के, प्रतिहार शासक के? मुकुल विश्वकर्मा, ग्वालियर सही है। अब आंसर दीजिए आप, ठीक है। एक आंसर आया यहाँ पर बिल्कुल सही आया है, नैन्सी चौधरी का 2005 में जो है बेटी स्कीम, बेटी बचाओ, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मुझे दीजिए, किन शासकों के यहाँ पर जो है अलाउदल सेनापति थे? तो इसका आंसर रहेगा चंदेल शासक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 23वें प्रश्न का आंसर दीजिए। पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं? वेरी वेरी सिंपल है, यहाँ पर आंसर दीजिए इसका, पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं? चंदेल, आदित्य तिवारी, रितिका अग्रवाल, पलक जैन, सारे आपने सही आंसर दिया है। चलिए तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए जो ग्वालियर का किला है इसको किसने बनवाया था? राजा सूरज सेन ने बनवाया था। और किस लिए बनवाया था इसको भी हम जान लेते हैं। राजा राजा सूरज सोन जो सेन थे उनके ऋषि क्या थे? ऋषि गालब, ठीक है। तो ऋषि गालब जो थे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऋषि गालब की स्मृति में 500 ईस्वी पूर्व बनवाया था। कब बनवाया था? 500 ईस्वी पूर्व में जो है यहाँ पर इन्होंने बनवाया था। और जो ग्वालियर का किला है किलों का रत्न भी कहा जाता है। और यह किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों मेरे? गोपांचल, कौन सा पर्वत? गोपांचल पर्वत पर यह स्थित है, ठीक है, ग्वालियर में। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे। भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर दीजिए मुझे, भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला कौन सा है? आंसर
ग्वालियर की स्थापना महेदजी सिंधिया ने किया था, ठीक है, किला सूरत सेन ने बनवाया था। नीलेश जी सही है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा 24 का, मंदसौर। क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों, मंदसौर। चलिए आगे चलते हैं हम, अगले प्रश्न का आंसर मुझे दीजिएगा। यहाँ पर हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश देश में स्थान है, तो हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है। इसका आंसर सारे बच्चे सही दे देंगे यार, कोई गलत नहीं करेगा। मुकुल विश्वकर्मा, पेपर लीक हो गया, मजे आ गए ना आपको, लाइक कर दीजिए बस, शेयर कर दीजिए आप। चलिए 25वें का आंसर दीजिए मुझे, पहला स्थान है, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। चलिएगा अगले प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, ठीक है, क्या है बताइए, समस्त वर्गों को आवास की योजना है, अल्पसंख्यकों के आवास की योजना है, पिछड़ा वर्ग की आवास की योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवास की योजना है, आंसर प्लीज। और सिर्फ लाइक मुझे 37 दिख रहे हैं और आप यहां पर जो है 110 लोग लाइव हैं, ऐसा मत करिए हमारे साथ अन्याय, अब लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर दे दूं, यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवास की योजना, डी नंबर का इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, चलिए बताइए राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया और कब कब लगाया गया, यही भी बताइए मुझे। अब देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं, आप लाइक नहीं करोगे बस ना, ठीक है मत करिए, आप कम से कम पढ़ लीजिए, आप इस बार आपको एग्जाम निकलना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। पवन गुप्ता भी बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए मजे आ रहे हैं मतलब आपको। तो कितनी बार लगाया गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3 बार लगाया गया है, कब कब लगाया गया है किसी ने आंसर नहीं दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब लगाया गया है। देखिए पहली बार जब लगाया गया था कब लगाया गया था, 1977 में, ठीक है, दूसरी बार जब लगाया गया था 1980 में, और तीसरी बार लगाया गया था राम मंदिर वाला जो मुद्दा हुआ था ना उस टाइम में लगाया गया था, सुंदरलाल पटवा की यहाँ पर सरकार थी, कब लगाया गया था 1992 में, ठीक। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया, आशीष का आंसर बिल्कुल सही आया, 77, 80, 92, 77। मुकुल आपका आंसर थोड़ा यहाँ पर करेक्ट करिएगा, चलिए बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं आपके, तापमान गंजबासौदा, ठीक है, गंजबासौदा किस जिले में पड़ता है, आंसर दीजिए मुझे, डी नंबर आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया है, गंजबासौदा में किया गया, और कहाँ पर यह अंकित, इस यह जो गंजबासौदा है किस जिले में, आंसर करिए मुझे। चलिए आगे चलते हैं हम, लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो लाख उत्पादन में आप लाख जानते हैं ना, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, सही है अंशु, विदिशा करेक्ट आंसर, 29 का आंसर, जल्दी जल्दी करिए आप, टाइम नहीं है अपन को, फटाफट करना है बिल्कुल आज, इसके बाद हिंदी का लेक्चर भी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं आप। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, सेकेंड, ठीक है, लाख उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न है, आलाखंड की रचना किसने किया था, आलाखंड की रचना किसने की थी, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर दे दिए यहाँ पर जल्दी जल्दी, बहुत आज तो बहुत फास्ट है, से लग रहा सारे बच्चों को यहाँ पर बन रहा है, 30 यहाँ पर क्या है, जगनिक ने, किसने किया था, जगनिक ने यहाँ पर इसकी जो है आलाखंड की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभयारण्य सोन चिड़िया के संरक्षण का जो है स्थान है, तो सोन चिड़िया का संरक्षण किस जिले में होता है, आंसर प्लीज फटाफट आंसर कीजिए, जगनिक सही है, आदित्य तिवारी,
मोनिका उपाध्याय, सिंपल है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है, इसीलिए हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं और कुछ इसमें हम अलग से इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको देते जा रहे हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप इसमें गलती ना करें। चलिए, तो कौन सा है 31 का आंसर, मैं आपको बता दूँ, करेरा, ठीक है, करेरा और घाटी गाँव, ठीक है। अब दोनों ऑपरेंड मुझे कमेंट करके बताइए करेरा और घाटी गाँव कहाँ पर पड़ते हैं, इनका आंसर दीजिए, और मुझे 32 का आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदारपुर, सैलाना, रतलाम, धार। थर्टी टू का आंसर तवा, क्या रहेगा? तवा बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत एक परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तवा बांध सही है, सारे बंदे सही हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप देखिए, मैंने जो पिछला जो फिफ्थ लेक्चर था, इसका फिफ्थ जो टेस्ट था, उसमें मैंने अपडेट कर दिया है, जो आपने जनसंख्या वाला पूछा, जनगणना वाला, वो पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है, क्योंकि देखिए इसमें जनगणना से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको मिस नहीं करिएगा। वो फिफ्थ लेक्चर में मैंने, आप जाएंगे ना फिफ्थ लेक्चर में, आप देखेंगे वहाँ पर, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके उसको कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर दीजिए 33 का मुझे, बिना देरी किए मैं आपको बता दूं, 20,000 रुपये प्रति वर्ष इसमें दिए जाते हैं। अगले प्रश्न का आंसर, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर रहेगा बुरहानपुर, ठीक है, कौन सा रहेगा? बुरहानपुर इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल सरल है और बार बार रिपीट होता है, इसके लिए हम इसको जान लेना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? उज्जैन जो है इसका आंसर रहेगा। तो चलिए हम कायथा के बारे में जान लेते हैं। उज्जैन जिले में छोटी सिंध के तट पर स्थित है, ठीक है, छोटी सिंध एक नदी का नाम है, उसके तट पर कायथा नगर स्थित है, ठीक है। यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती है, और यहाँ से देखिए पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से आपको देखना होगा छेनी कुल्हाड़ी, ठीक है, छेनी प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, और यह ताम्रपाषाण बस्ती है जो कि पहली बस्ती है। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, यह जो विक्रमादित्य थे ना, विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन थे? 12 मिहिर की जन्मस्थली भी कायथा ही है, जो कि उज्जैन जिले में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? प्लीज लाइक और शेयर, प्लीज़ लाइक और शेयर, और जो शेयर कर रहे हैं मुझे मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमने शेयर कर दिया है, उनके नाम लेके बोलूँगा फिर। तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से निकलती है, और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पर? गुजरात में गिरती है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश सॉरी भारत की उन नदियों में से है जहाँ पर, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। सिर्फ 2 ही नदी हैं, कौन कौन सी? ताप्ती नदी है जो कि मुलताई से निकलती है बैतूल जिले से, और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर जिले से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का आंसर दीजिए, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? ठीक है, तो बाज बहादुर जो थे मांडू के शासक थे, तो किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब। आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिए आप। 57 का आंसर, मयंक सिंह लोधी कर दिया हमने, सही है। दिव्या सिंह डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं नर्मदा नदी। इसके बारे में जब हम भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो 37 का आंसर मैं आपको बता दूं, अकबर के समकालीन थे, ठीक है, बाज बहादुर। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर सारे बच्चे दे देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, आशीष ने इसका आंसर गलत दे दिया, बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही, आपने गलत दे दिया, इसके पहले मैंने इसको शामिल किया था। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हो गए हैं। नया जिला निमाड़ी बना है जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। ये देखिए रवि का भी आंसर आ गया, बिल्कुल गलत आंसर है सर आपका। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, यहाँ पर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे?
यह क्वेश्चन अच्छा है। तो मध्य प्रदेश का गठन जब 1956 में हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे? चलिए 39 का आंसर, जल्दी जल्दी करिए आप। 39 का 43, 43। रुचि, नैन्सी, मोनिका, पबली, नीलेश, सारे बच्चे सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितने जिले थे? 43 जिले थे। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे यहाँ पर। लड़कियाँ खासकर इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकती हैं। डोल ग्यारस निमाड़ी अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है, किस देवता की पूजा से संबंधित है? ठीक है, जो डोल ग्यारस मनाया जाता है निमाड़ी अंचल में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहाँ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इसके आसपास मनाया जाता है। तो यह जो है किस देवता की पूजा से संबंधित है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान पशुपतिनाथ? 40 का आंसर आना चाहिए बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करिए और लाइक करते जाइए जल्दी जल्दी आप, और शेयर भी करते जाइए, और जो सब्सक्राइबर नहीं, जो नए व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए। चलिए तो 40 का आंसर मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे ने यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है, लेकिन कुछ सही भी हैं। किसकी पूजा की जाती है? भगवान कृष्ण की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार किस स्थान से प्रकाशित होते हैं? इसका आंसर दीजिए। तो मध्य प्रदेश से ओ सॉरी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार किस स्थान से प्रकाशित होते हैं? आंसर जल्दी से आंसर करिए आप। 41 का, सारे बच्चे गलत। मैं आपको बता दूं, ना ही इंदौर से होते हैं, ना ही जबलपुर से होते हैं, ना ही ग्वालियर से होते हैं। कहाँ से होते हैं? भोपाल, जो कि हमारी देश की राज्य की राजधानी है। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक समाचार पत्र जो है प्रकाशित होते हैं। चलिए हम समाचार पत्रों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो था, जो कि 1840 के आसपास में प्रकाशित हुआ था, कौन सा था? अखबार ग्वालियर। ठीक है, इसके संपादक एक बार पूछा है एग्जाम में, व्यापम ने, तो इसके संपादक मैं आपको बता दूं, मुंशी लक्ष्मण दास। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ग्वालियर अखबार है, जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन है? मुंशी लक्ष्मण दास। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, आप जब बैठते हैं ना इसके लेक्चर के लिए, तो मुंशी लक्ष्मण दास जो है इसके पहले संपादक रहे हैं। व्यापम द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न है, और एक प्रश्न और पूछा गया यहां पर कि जो ग्वालियर, जो अखबार ग्वालियर था, इसको 1956 में इसका नाम परिवर्तन हो गया। कब हो गया इसका नाम परिवर्तन? 1956 में इसको नाम परिवर्तन कर दिया गया था, और नाम परिवर्तन करके क्या किया गया था? मध्य प्रदेश संदेश के नाम से यह जाना गया आगे। ठीक है, किस नाम से? मध्य प्रदेश संदेश के नाम से। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं आपको बार बार बोलूँगा, 50 बार बोलूँगा। चलिए आगे चलें हम, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? आंसर जल्दी जल्दी आंसर। और वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु बताया था? सबके आंसर देखूंगा इस बार में। मई, सही है, सारे बच्चे सही हैं, अधिकतर बच्चे ने यहाँ भी यहाँ पर अपनी दिखा दिया, नहीं है, देखिए ना, तो क्या है, मई महीना जो होता है सबसे गर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? जिला का नाम बताइए। हेनसांग, सही है। ठीक है, हेनसांग, ठीक है, आंसर दीजिए। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? 43 का आंसर, तो इसका आंसर रहेगा दतिया में। कहाँ पाए गए? तो सबसे अशोक के इन जिलों में पूछा, निम्नलिखित यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन जिलों में आपसे पूछा है, तो इनका आंसर आपको देना है। क्या रहेगा इसका आंसर? दतिया रहेगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बहुत सरल है, इसका आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, कि भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम, ठीक है, राजा भोज हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय। तो मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दो तीन जो मैंने नाम बताया था उनका छोड़ के सारे मुख्यालय कहाँ पर हैं? भोपाल में है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? भोपाल रहेगा। ठीक है, अगला है कंगी शिल्प। ठीक है, देखिए कंगी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर दिख रहा है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बंजारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न का। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले, ठीक है, आप 5-10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न का, आमिर खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? आमिर खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? चलिए बच्चों के आंसर आ गए यहाँ पर। इसका आंसर रहेगा 47 का, इंदौर। कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है? तो कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है गेहूं उत्पादन का? इंदौर, इंदौर, पलक, राहुल, नैन्सी, पायल, आशु, सत्येंद्र, मुकुल, दिव्या, अमित।